शनिवार को सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे। करनाल पहुंचने पर सीएम मनोहर लाल ने करनाल के गुरुद्वारा मंजी साहिब में माथा टेका। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कुछ अहम मुद्दों पर बात कही। क्या कुछ कहा सीएम ने सुनिए आप। हरियाणा की दृष्टि से देखूं तो एक ऐतिहासिक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि इतने वर्षों से ये बात लटकी हुई थी। हरियाणा प्रदेश का अपना एक अधिकार है कानून पास करने का, जिसको एसजीपी के लोगों ने एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततः इसका निर्णय दिया है कि प्रदेश ने जो एक्ट पास किया है उसको संवैधानिक करार दिया है और वो अब हरियाणा की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो यहाँ के सब गुरुद्वारों की व्यवस्था संभाल करके और समाज हित में काम करेंगे। स्पेशल गिरदावरी होगी क्योंकि बरसात अचानक हुई है, पिछले दो दिन में काफ़ी नुकसान किसानों का हुआ है और इसके लिए हमने ऑर्डर कर दिए हैं कि स्पेशल गिरदावरी कराएंगे और जितना भी नुकसान हुआ है उस सारे का जो भी सरकार की अपनी पॉलिसी उसके हिसाब से उनको कंपनसेशन मिलेगा। जहाँ तक मंडी में धान की प्रोक्योरमेंट का विषय है, उसका पहले से ही 1 अक्टूबर तिथि तय है, क्योंकि बरसात होने के बाद थोड़ी मॉइस्चर जो है वो आएगी, उसको हम अपील करेंगे कि इसको सुखा करके और बिना यानी मॉइस्चर का जो स्टैंडर्ड है 17% का, उसी स्टैंडर्ड पर ला करके उसकी प्रोक्योरमेंट हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हो रहा है तो हो ही रहा है, हो ही जाएगा। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि इसके किसी बचाव के लिए किसी को सिफारिश करनी है, इनके बचाव के लिए तो आप सिफारिश नहीं कर रहे ना।